अपने आप को विष्णु व कलगी अवतार भगवान बताने वाले डॉक्टर के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, सीएमओ और थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित डॉक्टर आदित्य शर्मा ने 1 फरवरी को सिविल लाइन स्थित पीली खोटी के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि मैं विष्णु व कलगी भगवान का 10वां व 64वां अवतार हूँ। साथ में डॉक्टर ने यह भी दावा किया था कि चीन जैसे देश में उन्होंने ही कोरोना वायरस को फैलाया था। साथ ही डॉक्टर ने एक दावा और भी किया था जो कि बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था कि मरणासन व्यक्ति को 5 साल तक जिंदा रख सकते हैं। वहीं इन दावों को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों ने आज नाराजगी जताई और आज मंगलवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जुलूस निकालकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने थाना सिविल लाइन पहुंचकर थाना सिविल लाइन पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज शिव सैनिकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय मुरादाबाद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उनको प्रेषित ज्ञापन में अपने आप को कल्कि अवतार, विष्णु अवतार बताने वाले व चीन में महामारी फैलाने वाले डॉक्टर आदित्य शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञात हो कि डॉक्टर आदित्य शर्मा ने अपने आस्था क्लिनिक पर 1 फरवरी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को कल्कि भगवान बताया था, विष्णु का अवतार बताया था, 10वां व 64वां कला अवतार बताया था व चीन में महामारी फैलाने का दावा किया था। हमें लगता है कि डॉक्टर आदित्य शर्मा झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए हिंदुओं की आस्थाओं से, भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, हिंदू धर्म का उपहास उड़ा रहा है। इस पर शीघ्र से शीघ्र कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब हम सीएमओ के साथ साथ हमने थाना प्रभारी सिविल लाइन महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया है मुकदमा दर्ज कराने के लिए। इस पर कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।